खरगोन जिले के टांडा बरूड में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरूड के हाल बेहाल है, जहां जिला मुख्यालय से अप डाउन करने वाले शिक्षकों के कारण छात्राओं की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही कन्या विद्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि पिछले एक महीने से बिजली बंद पड़ी हुई है एवं बिजली बंद होने की वजह से सारे कमरों में पंखे एवं विद्युत सुविधाएं नदारद है। जहां शासन एक और शिक्षा को लेकर लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं बिजली बंद होने से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जहां छात्राओं को पंखे नहीं चलने की वजह से गर्मी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कई छात्राओं ने लिखित रूप से प्रभारी प्राचार्य सुनीता सोनी को आवेदन दिया, परंतु ना तो संकुल प्रभारी इस ओर ध्यान दे रही है। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ये शासकीय कन्या स्कूल में जो लाइट बंद है इतने दिनों से, मैं इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर, इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय को मार्गदर्शन के लिए लेटर 2-3 बार जारी कर दिए हैं, वहाँ से मुझे अनुमति मिल जाती है तो इसको 8 दिन के अंदर में करवा लूंगा। क्या नाम है? श्रीमती सुनीता सोनी। ये आपके विद्यालय में लाइट कब से बंद है? एक महीने से। और स्कूल में प्रयास जारी है, प्राचार्य से निवेदन भी किया था। तो प्राचार्य के कार्य करवा रहे नहीं करवा रहे लाइट? तो अभी तक लाइट क्यों नहीं चल रही? जारी है, प्रयास जारी है। क्या नाम लिखते हो? नेहा नरेंद्र कुमार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।